सुबह से ही मैं और अनिल गलगली जी ये आठवें मंडल में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, और निर्माण मंडल के इस मंडप में आने के बाद इतनी खुशी हुई है कि यहाँ पे संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 21वीं शताब्दी की सौर इसरो के मार्फत से हम पहुँच रहे हैं, उसके साक्षात दर्शन यहाँ पर हुए। ऐसी संकल्पना करने वाले हर चित्रकार को, मूर्तिकार को मेरा प्रणाम है, और मैं चाहूँगा कि ये चित्रकार और ये मूर्तिकार मुंबई की और भी मंडलों की जवाबदारी ले। इन्हीं बातों के साथ आदरणीय रश्मि जी को भी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो ऐसा ही बड़े बड़े काम और करते रहें। इसके बाद नवरात्रि है, उसके बाद दशहरा है, दशहरे के बाद दिवाली है, दिवाली के बाद क्रिसमस है, और फिर नया वर्ष। ऐसे अनेक पूरे साल के कार्यक्रम वो करते रहें और देश दुनिया में समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत बधाई सर। आप क्या कहना चाहेंगे? साई लीला फाउंडेशन की तरफ से जो जिस तरह से गोरेगांव में जो कंपटीशन रखी है उसमें बढ़ चढ़ कर करीब 100 के आसपास मंडलों ने हिस्सा लिया, और इन्होंने 7 मंडलों का जो चयन किया है, जो उन्हें ट्रॉफी दे रहे हैं, इसमें जो निर्माण जो मलाड़ इसकी संकल्पना थोड़ी हटकर है कि कई जगह पर अलग अलग जो प्रेरणा देने वाले जो दिखावे होते हैं, तो इन्होंने जिस तरह से इसरो का जो निर्माण करके एक जगह से जो हमारा भारत देश है, जो इसरो के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में अपना एक परचम लहराया है, तो उसको उन्होंने जो हाईलाइट करने का काम किया है, उसके लिए मंडल के सभी पदाधिकारी, मूर्तिकार और जो संकल्पना करने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। और साई लीला फाउंडेशन के माध्यम से जो इन्होंने गोरेगांव विधानसभा में जिस तरीके से लोगों में एक नया उत्साह और उमंग भरने का काम किया है, उसके लिए साई लीला फाउंडेशन के सभी टीम को, रश्मि उपाध्याय और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और आने वाले दिनों में जो 7 में से जो 3 जो बेस्ट होंगे उन्हें भी ये लोग प्राइज़ देने वाले हैं बड़ा कार्यक्रम लेकर, उसके लिए मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूँ। और मुंबई में जिस तरह से गणेश उत्सव का जो पर्व है, मुंबई पुलिस हो, महानगर पालिका हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, अलग अलग NGO अपने तरीके से काम कर रहे हैं ताकि ये बढ़िया तरीके से उल्लास के माहौल में इसका उत्सव मनाया जाए। तो निश्चित तौर पर सभी NGO को, मुंबई पुलिस को, महापालिका को, सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि इसी तरह उत्साह बनाए रहे। और जिस तरह से साई लीला फाउंडेशन ने अपने पहले ही चरण में जिस तरह से बड़ी कॉम्पिटिशन का आयोजन किया है, आगे भविष्य में और बड़े कॉम्पिटिशन का आयोजन करें, तो उनको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मंडल वाले जय श्री गणेश। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे गणपति जी ने आपकी सुन ली, आपने रखा, आपकी जो भी टीम है, संस्था है, कि आज आपको सम्मान दिया गया है मैडम द्वारा, तो कितने खुश हैं सबसे पहले और क्या कहना चाहेंगे? मैं अनिकेत भालचंद्र पवार, निर्माण मलाड़ मेरे डैडी ने संस्थापन है, मतलब मेरे डैडी ने संस्थापक किया हुआ है। और सबसे पहले तो मैं रश्मि जी का और साई लीला फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस तरह से उन्होंने जो ये माहौल बनाया है और जिस तरह से वो प्रोत्साहन दे रहे हर एक गणेश मंडल को, उससे क्या कि हर एक गणेश मंडल कुछ ना कुछ आगे करने की और कोशिश करेगा, और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। पहला ही ऐसा ट्रॉफी रहेगा जो हमने यहाँ पे पहली बार हमने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लिया है, क्योंकि मैडम, हाँ मैडम, क्योंकि खुद से यहाँ पे आके हमें ऐसा जाके हमने कुछ करना नहीं पड़ा, वो खुद से आके बहुत एफर्ट्स ले रही थी और बहुत उनके फाउंडेशन की तरफ से हमको बहुत सपोर्ट मिला। और ये जो ग्रुप का जो थॉट आया, ये कहाँ से आया? आपने पूरा बहुत सजाने में काफ़ी कैसा था कि जैसे कि गए साल चंद्रयान 2 हुआ था, तभी से हमारा कोशिश थी, लेकिन फिर तभी हम लोगों ने साई बाबा का जो प्रतिमा हम लोगों ने 3-4 महीने पहले ही बुक कर दिया था, तो इसके वजह से कैसे साई बाबा का मूर्ति होने के वजह से शिरडी बनाया हम लोगों ने गए साल। तो ये बार हम लोग के वो गए साल से हम लोग का था कि ये बार इन लोग को बनाना ही है। और कैसा होता है कि हम लोग ऐसे डेकोरेशन करेंगे, कुछ करेंगे, तो देश को भी ऐसा लगता है कि जगह जगह पर ऐसा डेकोरेशन हो रहा है, उनको भी वो मिलता है कि भाई कुछ ना कुछ और इनोवेशन होते रहेंगे, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे सब देश हमारा कर रहा है, तो हमको भी दिखाने में बहुत अच्छा लगता है कि ये ऐसे सब काम हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, और जिसको नहीं भी पता है उनको और पता चले, ऐसा यही कारण था। और कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत 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 कि हमने जो किया उसका कोई तो ये ले रहा है, हाँ दखल कोई तो ले रहा है, ये हमें इससे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या कहना चाहेंगे? आपने कई जगह पे विजिट किया है, तो आपने क्या चीज देख के लोगों को सम्मानित किया है? विजिट करने के बाद में क्या सबसे पहला थॉट था, और अपनी संस्था के बारे में बताइए, और सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रश्मि उपाध्याय है,
हम गोरेगांव में साईं लीला फाउंडेशन हमारी संस्था है, मैं मेरी टीम श्रद्धा, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं, आगे आ जाओ, है ना। हम लोग साथ में मिलके डिसाइड करते हैं। ये भी अभी सर ने ना बोल दिया, पर सर उस दिन साथ में थे जब हम लोगों ने ये सोचा कि गोरेगांव गणेश दर्शन स्पर्धा का आयोजन किया जा सकता है, पर हमें था कि 25-30 भी मंडलों ने अगर पार्टिसिपेट किया तो मोर देन इनफ है, पर हमें काफ़ी सौ एंट्रीज आई, उसमें हमारा जो हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे ये किया है। अभी फॉर एग्जांपल ये वाला जो मंडल है निर्माण, यहाँ पे जो इसरो की थीम ली है ना, ये पूरे गोरेगांव में कहीं पर भी नहीं ली है, तो इस वजह से यहाँ इस मंडल का हमने चयन किया। जितने भी रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए उसमें से अभी हमने टोटल 7 मंडल निकाले हैं, उसमें हमने सबको ट्रॉफी वितरण सर गलगली सर, त्रिवेदी सर, इनके जैसे महान हस्तियों के हाथों से करवाए, जिससे कि गणेश मंडल के जो अपने भाई हैं, दोस्त हैं, इनको और प्रोत्साहन मिले और अगले साल गोरेगांव कुछ एक अलग ही नया नई ऊंचाइयों पर या नया कोई मैसेज पूरे महाराष्ट्र के सामने सेट कर सके। तो इस वजह से सर जैसी हस्तियों को हम लेकर आए और सब मंडलों ने बहुत 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 अच्छा हमको प्रतिसाद दिया। सब लोग बहुत खुश हैं कि इस तरीके का कंपटीशन पहली बार गोरेगांव में ऑर्गेनाइज हुआ है, तो यही बताऊंगी। और इसके अलावा हमारी फाउंडेशन महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें कर रही है, फॉर एग्जांपल महिला बचत गट बनाते हैं, उनको कोई स्किल्स में निपुण करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए जिस तरीके की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। मेजरली हमारी संस्था वो जो योजनाएं हैं वो एंड यूज़र तक कैसे पहुंचानी है उसके ऊपर हम लोग कार्यरत हैं। 24/7 365 डेज हमारे सेंटर पे गवर्नमेंट की योजनाओं के कैंप चालू ही रहते हैं, बंद नहीं होते हैं, कभी भी बंद नहीं है, और संडेज भी हम लोग ओपन रहते हैं। तो अभी लेटेस्ट में अपना लाड़की बहन योजना, उसके भी हमने समवेयर अराउंड 1700-1800 फॉर्म्स भरवाए, मेजरली लोगों को उसके पैसे भी आए हैं महिलाओं को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हमारी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। बच्चों को हम पढ़ाई के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूशन में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसे बच्चों का चुनाव करते हैं कि जिनको पढ़ने की इच्छा है पर उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको हम पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्टडी मटेरियल भी हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स हमारे सेंटर पे लाकर उनको आगे पढ़ना है, उसमें फिर ऐड ऑन हमने सिलेबस भी स्कूल सिलेबस के अलावा भी ऐड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, ये सब मेरी टीम है, मेजरली श्रद्धा। श्रद्धा के बिना एक्चुअली कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो थैंक यू सो मच। श्रद्धा मैसेज देगी, श्रद्धा बोलना तो पड़ेगा, है ना सर। जैसे गणपतीसाठी जसं आपण सगळे एकत्र येतो आहे, एवढा आपण जी आता गणपती दर्शन स्पर्धा जी भरवलेली आहे, मंडळ याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतायत, मंडळातली जी मुलं आहेत, फक्त त्यांनी म्हणजे आम्ही फाउंडेशनमार्फत त्यांना एवढं सांगू शकतो की जसं तुम्ही फक्त 12 दिवसासाठी काम करताय, तुमचं मंडळ आहे, तुमचा समाज आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही काहीतरी देणं लागता, तर तुम्ही वर्षाचे 12 महिने जर एक समाज सुधारायचं जर ठरवलं, जशा आता काही चालू घडामोडी आहेत, तर त्याच्यातनं जर तुम्ही काही बदल करायचा ठरवलात तर फाउंडेशनचा हात नेहमी तुमच्या बरोबर आहे, आम्हाला तुम्ही मदत करा, आम्ही तुम्हाला मदत करू, आणि जो काही तुमचा समाज आहे, जे काही तुमचे प्रॉब्लेम्स असतील ते आम्ही फाउंडेशनच्या मार्फत सोडवायचा प्रयत्न करू। और कुछ फ्युचर में कुछ मतलब फाउंडेशन के द्वारा और कुछ नया प्लान किया हुआ है? सर ने बता ही दिया, सर जैसा कहते हैं हम बाय डिफॉल्ट वैसा ही करते हैं, मुख्य मार्गदर्शक तो गलगली सर ही है। संडे का हम लोगों ने प्लान किया है कि सारे मंडल को एकत्रित करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी निकालेंगे और साथ में कुछ और भी प्लानिंग